सैमसंग यहाँ पर 15 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है भाई, और ये वाली टेक्नोलॉजी ना 2017 में आई थी। आप समझ पा रहे हो ना भाई कि किस तरह से सैमसंग यहाँ पैसे कमा रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन को OnePlus Nord CE2 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूँ कि सैमसंग के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना OnePlus फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि हमें यहां फ्लूड AMOLED डिस्प्ले मिल रही है भाई, अच्छी बात है। लेकिन यार सैमसंग मतलब नाम है तो यार PLS LCD डिस्प्ले भाई जमा बेकार डिस्प्ले, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं आपको सही बता देता हूं, पैसा बर्बाद। और अगर मैं बात करूँ यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सैमसंग का फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है, जो कि One UI 5.0 कोर पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन एंड्रॉयड 11 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 11 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर सैमसंग का फोन ही विनर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 13 मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर UI की, तो भाई UI के मामले तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की, तो सैमसंग फोन के अंदर हमें एक्सिनोस 1335G चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें डायमेंसिटी 900 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से तो यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें इनमें से किसी एक को स्पेशली गेमिंग के लिए भी चूज करना हो ना भाई, तब आप यहां पर OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि ये जो डायमेंसिटी 900 है ना भाई, बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। और अगर मैं बात करूं यहां एंटूटू स्कोर की, तो सैमसंग फोन का आता है 4 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का आता है 4,50,000 के करीब। यानी कि भाई यहां एंटूटू स्कोर के मामले में भी OnePlus का फोन ही विनर है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यार ये जो 2-2 मेगापिक्सल के छोटू कैमरा चिपका दिए ना भाई, इनका कोई फायदा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसकी जगह अगर ये अल्ट्रा वाइड देते ना यार, तो मजा ही आ जाता। आमला कभी नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और यकीन मानिए दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहाँ पर OnePlus का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कैमरा को ऑप्टिमाइज किया है यहाँ पर। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप सैमसंग फोन के बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और बात करें अगर हम सेल्फी लवर्स की, तो सैमसंग के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहां पर सैमसंग का फोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन 4500mAh की बैटरी के साथ में आता है। यानी कि भाई बड़ी बैटरी के मामले में यहां पर सैमसंग का फोन ही विनर है, लेकिन यार फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि सैमसंग फोन यहाँ पर सिर्फ 15 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यार सच में आज के जमाने में भी ये बंदे 15 वोल्ट पे अटके हुए हैं, मतलब सैमसंग ब्रांड है तो कुछ भी चलेगा क्या यार इनका। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन यहाँ पर 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए। और रुकिए जरा एक और ट्विस्ट वाली बात बताता हूँ भाई, सैमसंग बेशक हमें यहाँ पर 15 वोल्ट का एक बेकार सा चार्जिंग स्पोर्ट दे रहा है, लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर तो आपको चार्जर भी नहीं मिल रहा भाई, अब वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कहां कहां से पैसे कमाने की स्कीमें बना रखी है सैमसंग ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं।
और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही मल्टीपल 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों 3.5 mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहां स्पीकर्स की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें सैमसंग फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहां पर OnePlus का फोन ही विनर है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Samsung फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 21,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहां पर डेफिनेटली 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके ना OnePlus की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले बढ़िया मिल रही है, चिपसेट बढ़िया मिल रहा है, बैक कैमरा सेटअप और फास्ट चार्जिंग का स्पॉट, साथ ही उसके अंदर आपको चार्जर भी मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। तो ओवरऑल भाई बढ़िया पैकेज तो यहां OnePlus का फोन ही निकल के सामने आ रहा है। लेकिन यार अगर मैं बात करूं ना Samsung की, तो 21,000 के प्राइस पे ना यार इन्होंने सच में बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है सिर्फ 5G के नाम पे, और जो चार्जर नहीं दिया वो तो अलग ही बात है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं।